लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ना मैं उस रात को भूला हूं ना भूलूंगा जब आपकी और मेरी बहन की इसी जगह हत्या की गई थी। हर साल की तरह तब तक यहां आता रहूंगा जब तक मैं उन तीनों राक्षसों को सजा नहीं दे लेता। जिस तरह उन लोगों ने कानून की आंख में धूल झोंक कर हत्याएं की, उसी तरह मैं भी उनको खत्म करके अपने दिल की आग बुझाऊंगा। मैं अपने खानदान की बर्बादी का बदला लेने के लिए ही जी रहा हूं और आपकी कसम खाकर कहता हूं, बदला लिए बिना मरूंगा भी नहीं। नाम है नूरजहां, उम्र है 28, सीना है 32, कमर है 36 और आर आर। इसे देखिए हुजूर, इसे देखिए, यह है सारा मार यानो फॉरेन टूरिस्ट 36 25 35। जी जी जी, भगवान भला करे। अरे क्या हो गया आशा कली, तुम्हें हमारी पसंद को अच्छी तरह से जानते हुए भी ऐसा बेहुदा माल लेकर आ रहा है? अरे कोई बात होनी चाहिए, कोई बात हो, कोई खूबसूरती हो, कोई तरीका हो, कोई ये हो, कोई वो हो, कोई वो बात जरूर है। इसे देखिए, गौर फरमाइए, एकदम तरोताजा माल है। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भगवान भला करे, ये कोई बात हुई ना हुजूर? कुछ नहीं, बहुत कुछ बात है। नाम है मीना, फिगर है 36 26 35। गजब की कैमरा डांसर है, आपके 3SS होटल की ताजा ताजा डांसर क्रोनी है। अच्छा, हमारे होटल में? जी हाँ हुजूर। अरे अशोक अली, आज तो ये स्लीपिंग पिल खाऊंगा तो नींद आएगी, वरना समझो कि नींद उड़ गई। मुश्किल है, ये अभी तक के अपनी लाइन पे उतरी नहीं आए। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आप फिक्र नहीं करें, आपके आशिक अली के पास हर मर्द का इलाज है। Thank you.
किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। बातों बातों में आंखों आंखों में लंबी रातों की नींद उड़ जाएगी। तोबर 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 तो कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात होगी। कली है, दुनिया की खिदमत करना मेरा पेशा है। ये एडवांस कबूल फरमाइए। काय का एडवांस? जी, मेरे एक मालिक को रात में अकेले में नींद नहीं आती। ये मेरा एडवांस है, मुझे समझा क्या है, अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। क्या आता है, कहीं चोट तो नहीं है आपके हाथ में? भैया हनुमान सिंह, ये तो एडवांस नहीं ले रही, अब तुम ही एडवांस कर जाओ। बढ़ जाओ। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे लखा मुझे पकड़ो, हम तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
लोगों को क्यों मारा? उन लोगों ने एक शरीफ लड़की की बेइज्जती करने की कोशिश की। क्या इस देश में किसी लड़की की आबरू बचाना जुर्म हो गया है? तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून और पुलिस के ऊपर से तो मेरा विश्वास बचपन में ही उठ गया था। हमें तुम्हारे विश्वास से कोई मतलब नहीं। कसूरवारों को सजा दिलाना पुलिस का काम है। मैडम, कसूरवारों को सजा दिलवाने से एक लड़की की लूटी हुई आबरू से लौटा ही नहीं जा सकती। खूनी की गले में फांसी का फंदा डाल देने से एक मरे हुए इंसान को जिंदगी नहीं दी जा सकती। विजय, तुम मिस्टर विजय कुमार सिंह कहिए। आपके कानून का भी कमाल है मैडम इंस्पेक्टर। जो आबरू लूटना चाहते थे वो साफ निकल गए, और जो आबरू बचाना चाहता था वो पकड़ लाया गया। अपने कानून की आंखों को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते आप? शट अप हवलदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलाओ। एक्सक्यूज मी। यस, मेरा नाम मीना है। ओ, क्लब वाली डांसर। जी, मैं इनकी जमानत देने आई हूं। क्यों मैडम, आपके कानून के मुताबिक जमानत नहीं ली जा सकती क्या? हवालदार आगा जान। यस मैडम। इस लड़की के दस्तखत लेकर इन्हें जमानत पर छोड़ दो। आइए। थैंक यू। वेलकम। एलपीएस रानी। हवलदार आगा जानी। इस शख्स की तकरीर सुनकर मेरी शेरवानी फट गई। क्या फट गई? शेरवानी। अनुवाद कीजिए हवलदार जी। यदि वार्तालाप में आप ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान असंभव है। कहाँ दस्तखत करने हैं? असंभव है। सॉरी सॉरी। उनका नाम मनु बेटा, तेरी दीदी आई। जा, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। आइए। ये मेरा छोटा भाई है मनमोहन। नमस्ते। हेलो। मेरी माता जी। नमस्ते माता जी। कौन है ये बेटी? माँ, ये मिस्टर विजय है। आज ये ना होते तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई होती। एक अनजानी लड़की को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई।
आप अनजानी लड़की नहीं है। मैं हर उस लड़की को जानता हूँ जिसकी बेइज्जती की जा रही हो। क्या क्या हुआ था बेटे? अब कुछ नहीं माँ, कुछ बदमाशों के हाथ पांव में जरा सी खुजली हुई तो मैंने उनकी खुजली मिटा दी, थोड़ी सी पिटाई कर दी बस। हमारे तो भाग ही खोटे हैं बेटे, हम लोगों का पेट भरने के लिए इस बेचारी को नाचना गाना पड़ता है। नाचने गाने में कोई बुराई नहीं है माँ जी, कुछ लड़कियाँ टाइप करती हैं, कुछ स्कूलों में पढ़ाती हैं, ये नाचती और गाती है, क्या बुराई है इसमें है? अच्छा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। खाना खा के जाइए ना। नहीं नहीं, बहुत देर हो गई है और फिर घर जाके जूते भी खाने हैं। नमस्ते। क्या समझते हैं अपने आप, आज आने तो इसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे क्यों पड़ा रही है, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। क्या किया है इसने? क्या किया? एक नाचने वाली की रक्षा करने में मारपीट की, पकड़ा गया, एक मामूली गुंडे की तरह पुलिस स्टेशन लाया गया। हे भगवान, कहीं चोट और तो नहीं लगी उसे? नहीं नहीं नहीं, उसे तो कुछ नहीं हुआ। अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। करेक्ट दीदी, फौरन इस्तीफा दे दो। लीजिए, आ गए आपके सुरमा। देखो दीदी, मैं किसी लड़की का अपमान नहीं देख सकता, और तुम जानती हो ऐसा क्यों होता है। वो कमीने उस लड़की का अपमान कर रहे थे। वैसे कमीनों को ठीक करने के लिए इस देश की पुलिस जो मौजूद है। मुझे हंसाओ मत दीदी, पुलिस कानून इंसाफ इन सब का तमाशा मैं भी देख चुका हूँ, तुम भी देख चुकी हो। अरे बेटे ये तो सोच, तेरी इस हाथापाई से बहन की बदनामी होती है, ये थानेदार का भाई। मैं कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लेता। माँ की बात इतनी बुरी लगी कि बहन को छोड़कर चले जाएंगे? तो मैं क्या करूं दीदी, मेरे दिल में जो आग लगी हुई है वो मुझे जलाई जा रही है, मैं उसकी बात सुनिया तुम्हारी। मेरी? क्योंकि वो आग तुम्हारी सगी बहन नहीं है। है, वो आग मेरी एक सगी बहन की चिता की है। मेरी आंखों के सामने उसकी लुटती हुई चीखती चिल्लाती एक रोती हुई इज्जत की आग है, मेरे खानदान की बर्बादी की आग है, मेरे पिता की हत्या की आग है। इस आग से मेरा रिश्ता है दीदी, ये आग उन तीनों के खून से बुझेगी। हत्या करोगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की हत्या की है। उन्होंने मेरे पिता और मेरी बहन की भी हत्या की है, जबी तो मैंने ये पुलिस की नौकरी की ताकि उन्हें उनके किए की सजा दिला सकूं। मैं उन तीनों को कुछ देना नहीं चाहता दीदी, चाहे हो सजा ही क्यों ना हो। उन्होंने जान ली है, मैं सूद समेत उनकी जान लूंगा। मैं उस कानून की तरफ मुंह करके न जागना चाहता हूं न सोना, जिसने उन हत्यारों को छोड़ दिया। कानून के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन मेरे पास सबूत है दीदी। मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। कानून इतना मैला है दीदी कि उसे अपने हाथ में लेकर मैं अपना हाथ गंदा करना चाहता भी नहीं। ओ, तो इसका मतलब तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। चलो चल के खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो भूख है। तुम खा लो। अच्छा जी, सीधी तरह चलते हो या एक चांटा मारो? चलो। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर देवी सिंह, भेज दो। यस, क्या बात? सर मैं एक पुराने मर्डर केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। कौन सा मर्डर केस? सर ये वारदात कुछ 20 साल पहले हुई थी। उन दिनों हमारे शहर में 3 गुंडों का बड़ा जोर था, अमर कुमार, अकबर अली और अंथोनी डिक्रूज। उन तीनों ने मिलकर एक आदमी का खून किया था। तो उन्हें सजा हुई होगी? जी नहीं, उन तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कपिल कुमार नाम के एक बेगुनाह इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कपिल कुमार ने उनको खून करते हुए देख लिया था और उनकी गवाही उन तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल सकती थी। उस खून के सिलसिले में उन तीनों को जेल के लॉकअप में भेज दिया गया, जहां वो लोग जेल से बाहर आने का प्लान कर रहे थे। Ha 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 ha
भगवान भला करे, जब के हवालात में अकेलापन मिला तो हमने सोचा हम फांसी की मौत मरना नहीं चाहते, इसलिए हमने तय किया कि हम फांसी की मौत नहीं मरेंगे और तुम जिंदा रहे तो हम तीनों को फांसी की मौत मरना पड़े ही पड़े। मतलब ये कि अपन लोगों की लाइफ के लिए तुम्हारा मरना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन आंखों ने अपन लोग को वो खून करते देखा था ना, उन आंखों को अदालत देखना नहीं मांगता। वो तीनों तो जेल के लॉकअप में। नहीं नहीं नहीं, उस तीनों ने हमारे घर आकर हमारे आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बेटे की हत्या की है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति का यही कसूर था ना कि उन्होंने उन तीनों को खून करते हुए देखा और कानून को दवाई देकर उनकी मदद करना चाहते थे। बोलिए, यही कसूर था ना मेरे पति का? आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा है तो इन बच्चों से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने खुद किया, उन्होंने खुद किया है। तो आपके बयान के मुताबिक वो तीनों जेल से बाहर आए? नामुमकिन, जब से वो तीनों जेल की कस्टडी में लाए गए उन्होंने जेल के बाहर कदम तक नहीं रखा। जेलर साहब, ये लोग कह रहे हैं कि कपिल कुमार का खून इनके घर में इनकी आंखों के सामने हुआ, क्या ये झूठ है? इंस्पेक्टर राणा, जिस यकीन से ये कह रहे हैं उन तीनों ने इनके घर में जाकर कपिल कुमार का खून किया, उससे ज्यादा यकीन से मैं कहता हूँ तो तीनों जेल से बाहर गए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है जेलर साहब कि उनके जेल से बाहर जाने के बारे में आपको भी मालूम ना हुआ? इंस्पेक्टर राणा, ये कहकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांस्टेबल, इन सबकी हाजिरी लो। अमरनाथ, क्या हुआ बे? अमरनाथ कौन है बे? अरे अरे, मैं काहे को खाली पीली रात को डिस्टर्ब करता है सोए पड़े को? हा वो तीनों जेल में थे क्योंकि ये साबित न हो सका कि वो तीनों जेल से बाहर आए, उन्हें रिहा कर दिया गया। इज इट? जी हाँ,
अगर हमारे डिपार्टमेंट ने जरा सी मेहनत और होशियारी से काम लिया होता तो उन तीनों को जरूर सजा मिलती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने जेल से बाहर आने में उनकी मदद की। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर मिस सिंह, कसूरवारों को सजा दिलवाना ही हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है। अगर तुम ये साबित कर सको कि वो तीनों खूनी हैं, तो तुम्हारे लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर फक्र की और क्या बात हो सकती है। थैंक यू सर। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि वो तीनों मुजरिम हैं? इसलिए कि वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए कि उस दिन मैं बहुत रोई थी। जिस आदमी का कत्ल किया गया वो मिस्टर कपिल कुमार सिंह, वो मेरे पिताजी थे। जिस लड़की की आबरू लूटी गई और फिर जिसका खून किया गया वो मेरी बहन थी। I'm sorry. Very sorry. सर, पैसों के लिए मैंने ये नौकरी नहीं की। पिताजी ने काफी पैसा छोड़ा है, लेकिन ये नौकरी के बिना मेरी जिंदगी का मिशन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। मिस सिंह, यू कैन रीओपन द केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। भगवान भला करे, जब तक मैं नहीं कहूंगा दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। कौन हो तुम? तुम्हारा प्रेमी। आज से मेरी हो जाओ फिर तुम्हें जिंदगी भर नाचने गाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम शरीफों के मोहल्ले में एक लड़की जिसका नाम मीना है वो धंधा कर रही है। I see. उसका पता क्या है? 14th क्रेसेंट बिल्डिंग, 14th रोड, खार, बॉम्बे। आप कौन बोल रहे हैं? एक शरीफ आदमी, जान से है। हेलो हवलदार। चंदू जी, तुम फौरन जाकर अपने काम पर लग जाओ। जाओ। जी साहब। देखा है जगली, इससे पहले कि वो लौंडिया हमारे खिलाफ रिपोर्ट करे हमने उसे फंसा दिया। कौन है आप? पुलिस। कौन? क्या चाहिए आपको? इस घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरा छोटा लड़का, उससे बड़ी लड़की और सबसे बड़ी लड़की मीना। बात क्या है, आप लोग इतनी रात गए क्यों आए हैं? अभी सब कुछ पता चल जाएगा। आपकी बड़ी लड़की कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात है? मर गए। भागे जा रहा है, चोरी करके भागता है। हवलदार जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारे मैं तो दूसरे काम से आया था। दूसरे काम से? क्या क्या बात है बेटी? पता नहीं माँ, एक आदमी मेरे कमरे में घुसा हुआ था। तेरे कमरे में? हाँ। वाह शाबाश, माँ बेटी मिलकर बहुत अच्छा नाटक कर रही है। इंस्पेक्टर शट अप, चलो पुलिस स्टेशन। भारतीय नारी को सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की स्त्री जाति के नाम पर कलंक है, एक धब्बा है। अगर मैं आपसे कहूँ मैंने कुछ नहीं किया, आप मानेंगे थोड़ी? What do you mean? आपके और आपके कानून के हिसाब से मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, वक्त आने पर मैं अपनी सफाई पेश करूंगी। Excuse me, मैडम इंस्पेक्टर। Yes? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं कुमारी मीना श्रीवास्तव की जमानत लेने आया। How dare you? श्री विजय कुमार जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप ब्रॉटल रैकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कुमारी मीना श्रीवास्तव को रंगे हाथों पकड़ा है, और जमानत कोई मंदिर का प्रसाद तो नहीं जो हर वक्त हर शख्स को दिया जा सके। जमानत लेने वाले की हैसियत भी देखनी पड़ती है। वो आई सी, मैं एक शरीफ खानदान का इनकम टैक्स देता हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिताजी बहुत रईस और इज्जतदार आदमी थे, माता जी अभी जिंदा है। मेरी एक बड़ी बहन भी है जो वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो शायद मेरी मदद नहीं करेगी। विजय, नो मिस सिंह, इट इज नॉट डन। आप एक पब्लिक सर्वेंट है और मैं पब्लिक हूं, मेरा नाम जरा इज्जत से लीजिए। अगर आप जमानत लेने से इनकार कर रही हैं तो ऐसा कहिए, मैं जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। कॉन्स्टेबल आया जी, इनकी जमानत लेके इस लड़की को जाने दो। जी अच्छा आइए। चलो थैंक यू दीदी। आप भी मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि मैं एक, अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचता तो तुम्हारी जमानत क्यों लेता? दरअसल हुआ ये था कि उन लोगों ने मुझे, नो प्लीज, फिजूल की बातों को दोहराने से क्या फायदा? अभी तुम बहुत ढीली हुई, इसके बारे में फिर कभी बातें करेंगे। टैक्सी। चलिए। जब देखो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है, पता नहीं से कब अकल आएगी। विजय। हाँ माँ। क्या तू इसे चैन से जीने नहीं देगा? मैंने इसे क्या काम कर दिया माँ? पहले हाथापाई करता था, अब वेश्याओं का जमानत पर छुड़ाने लग गया। भगवान जब किसी को पुलिस की वर्दी पहनाता है तो उसके अकल बिल्कुल ही वापस ले लेता है क्या? देखा माँ इसकी बदतमीजी। ये बदतमीजी किसी शरीफ लड़की को वेश्या कहने से बड़ी बदतमीजी तो नहीं है दीदी? मैंने वेश्या को वेश्या कहा है, वो रंगे हाथों पकड़ी गई। गलत, बिल्कुल गलत। तो क्या तुम्हारे ख्याल में वो पवित्र है? हाँ, अगर वो पवित्र नहीं है तो तुम भी पवित्र नहीं हो। क्या कहा? अगर ये हाथ मेरी बड़ी बहन का ना होता तो मैं इसे तोड़कर फेंक देता। देखिए मैम साहब, एक तो बेलाइसेंस की दारू बेचते हैं, ऊपर से मारपीट करते हैं। कहाँ दारू बेचते? उधर। दादा। क्या? पुलिस आ गई। पुलिस हमारा क्या करेगी, आने दो। इस अड्डे का मालिक कौन है? इस अड्डे का मालिक मैं हूँ, क्या चाहिए? इधर आओ। सब लोग पुलिस स्टेशन चलो। आ, 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 आ,
मर्दाना काम है देवी जी, तुम्हारे बस का नहीं। ए सरजू। हाँ दादा। जरा द्रौपदी चीर हरण वाला सीन दिखाना। बताता हूँ, आप लोग द्रौपदी चीर हरण वाला सीन करने जा रहे थे ना, उसमें तो आपको कृष्ण भगवान की भी जरूरत पड़ेगी। वो आजकल जरा पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इसलिए मैं आ गया। जा साहब, आपके जितने ढांचे हैं सब इसके नीचे ले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कानून की मदद की है, मैं आपको इनाम दिलवाऊंगी। कानून इनाम? अरे मैंने तो एक मुसीबत ज़दा लड़की की मदद की है, तो संदेह कानून का नाम मेरे सामने फिर कभी मत लीजिएगा। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहां दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। रिश्वत देकर छूट गए, अजमतें लुटी चली गोली, इसने आंख नहीं खोली,
बात का कच्चा एक सुतून है ये अंधा कानून है ये अंधा कानून है ये अंधा कानून है के साथ सही पर ये देख नहीं सकता ये बिन देखे है लिखता जेल में कितने लोग सड़े सूली पर निर्दोष चढ़े जेल में कितने लोग सड़े सूली पर ये अंधा कानून है 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 बिल्कुल नहीं मैंने अमर अकबर एंथनी की कोई मदद नहीं की मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर गुप्ता आप अच्छी तरह जानते हैं पुलिस हकीकत का पता लगा ही लेती है अच्छा ये बताइए ये मकान आपका है जी हाँ मेरा है ओ बाहर जो इंपोर्टर गाड़ी खड़ी है शायद वो भी आपकी है जी हाँ और बैंक में जो लाखों रुपए जमा है वो आपके खून पसीने की कमाई है इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह मैं खानदानी रईस हूँ ये सारी जायदाद मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ गए बिल्कुल झूठ आपके पिताजी एक मामूली हैसियत के थे वो दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर थे वो बेचारे आपको इतना ठाट बाट कहाँ से दे सकते थे और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक जेलर को कितनी तनख्वाह और कितनी पेंशन मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि अमर अकबर एंथोनी जैसे आदमियों ने आपको इंटेंट दी जो इस मकान की दीवारों में चिनी हुई हैं। देखिए मैडम मैं एक जिम्मेदार और इज्जतदार आदमी हूँ आपको मेरे घर आकर मुझ पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं हक तो मुझे इससे भी ज्यादा है मिस्टर गुप्ता क्योंकि आप भी पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहती हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ अमर अकबर एंथोनी इन तीनों को आप ही ने बचाया है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप सरकारी गवाह यानी अप्रूवर बन जाइए बच जाएंगे और ये बेईमानी की कमाई कुछ साल और खा सकेंगे अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड सी यू अगेन हेलो यस जस्ट अ मिनट आपके लिए फोन बोल? है हाँ एंथोनी बोलता है अरे बोलो गुप्ता क्या बात है हाँ लेकिन ये सब कब हुआ और क्या बोला वो लड़की अरे मैं तुम घबराता क्यों है अपन सब ठीक कर देगा उस लड़की का नाम क्या है देवी सिंह देवी सिंह ओके
क्या हुआ मियां? ये तुम गुमसुम क्यों हो गए? ये देवी सिंह कौन है? अरे वो कपल कुमार याद है ना? अरे वही जिसे आज से 20 साल पहले अपन ने रिवॉल्वर की गोली से उड़ा दिया था। ये देवी सिंह उसी की बेटी है, पुलिस की इंस्पेक्टर बन गई है और कड़े मुर्दे उखाड़ रही है, अपने बाप के खूनियों को पकड़ना मांगती है। अजीब अहमक है, लगता है उसे अपनी जिंदगी से कोई मोहब्बत नहीं है। भगवान भला करे, ये मत भूलो कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। इसीलिए अपन उसे नहीं मारेगा, वो खुद ब खुद मर जाएगी। अमर, खोपड़ी में आया कुछ? इंस्पेक्टर देवी सिंह स्पीकिंग। मैडम, मैं 203 बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपके ऑर्डर के मुताबिक मैं मिस्टर गुप्ता के बंगले की निगरानी कर रहा था। कोई खास बात हुई क्या? जी हाँ, अभी अभी दो आदमी बंगले के अंदर गए हैं और मुझे उन पर शक है। ठीक है, तो वहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। सॉरी मैडम, जब मैं आपको टेलीफोन कर रहा था तो उसी दौरान मैं वो लोग अपना काम करके निकल लिए हूँ। उनका हुलिया बता सकते हो? जी हाँ, उनमें से एक गुंडा दिखाई देता था और दूसरा गोरा और लंबा था। वो आदमी मोटे मोटे ग्लासेस का चश्मा पहने हुआ था। अच्छा, हाँ, इनमें से कोई है? ये था अमरनाथ। ये आप क्या कह रहे माँ जी? मैं जानता था निर्दोष, फिर मैं इन्हें चुपचाप हवालत में कैसे बंद हो जाने देता? फिर भी बेटा, तुमने हम बेसहारों के लिए बहुत कुछ किया। बस 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 माँ जी, मेरी चाय कड़वी हो जाएगी। कभी हम लोग भी बेसहारा थे, इसलिए बेसहारे मुझे मेरे अपने लगते। शुक्रिया अदा करके मेरा अपमान न कीजिए। अच्छा बेटा, अब नहीं अदा करूंगी शुक्रिया। मनु, शकुंतला, मीना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बदमाशों के पीछे किसी का हाथ है। तुम्हें शक है किसी पर? ये उसी आदमी की करतूत है। कौन सा आदमी? उस रात जब मैं डांस प्रोग्राम खत्म करके घर लौट रही थी तो उसी के गुंडे मुझे किडनैप करके उसके बंगले पर ले गए। क्या कहा तुमने? उसे चश्मे के बगैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, उस आदमी का नाम अमरनाथ है ना? उसका नाम तो नहीं जानती, पर उसका घर जानती हूँ। Yes, Amarnath speaking. Good. मुझे तेरी ही तलाश थी कमीने। Shut up. कौन हो तुम? तेरी मौत 30 मिनट के अंदर मैं तेरे घर आकर तुझे जान से मारूंगा। है? है? जा, बहुत देखिए तेरे जैसे जान से मारने वाले। अब 29 मिनट के अंदर तू मरने वाला है। अबे हो 30 मार्का की छठी औलाद, बकवास बंद कर। बकवास नहीं बे, तेरी जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 28 मिनट रह गए हैं। हेलो हेलो हेलो, Thank you.
भगवान भला करे। ओ व्हाट द हेल, एंथनी बोलता है। एंथनी मैं अमर बोल रहा हूँ, अभी अभी एक आदमी ने मुझे फोन पर धमकी दी है कि वो 28 मिनट के अंदर मुझे मार डालेगा। कौन था वो? पता नहीं कौन था, लेकिन एंथनी मैं अभी मरना नहीं चाहता, भगवान भला करे। अभी क्यों, मैं तो कभी मरना नहीं चाहता। अरे साला तुम कैसा बच्चे के माफिक बात करता है, अगर तुमको डर लगता है तो अपन के पास आ जाओ। अबे डरता कौन है, मैंने तो सिर्फ तुझे खबर देने के लिए फोन किया था। आने दो साले को, साले का सर काट कर तेरे पास बतौर तोहफे के भेज दूंगा। हाँ अब तुम मर्द के बच्चे के माफिक बोला है, सो जाओ। कम ऑन, खोलो। दरवाजा नहीं खोलेगा, शाह का हुक्म है। मेरा हुक्म है दरवाजा खोलो। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे चल गंजे मोटे, पुलिस से जबान चलाता है। जरा गाना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन तुम? कौन हो? गाड़ी क्यों रोक दी? चलाओ। कौन है तुम? तेरी मौत कपिल कुमार याद है ना? कपिल कुमार याद है कि नहीं? याद है। मैं उन्हीं का बेटा हूं। 20 साल पहले तुम लोगों ने मेरे और मेरी मां के गले में रस्सी का फंदा डाला था ना? मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी की पिस्तौल से हत्या की थी, याद है? भगवान भला करे, बुरी बातों को याद नहीं करते बेटा। मेरी बड़ी बहन तुम लोगों की वासना का शिकार हुई थी, याद है? बोल है कि नहीं? सब याद है, सब याद है। गाड़ी सड़क के साइड में रोको। एक मौत तेरे गुनाहों की सजा के लिए काफी नहीं, मगर मौत एक से ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर तुझे मारने से क्या फायदा? अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान भला करे, फायदा तो कोई नहीं, तो फिर मैं जाऊं? एक शर्त पर जा सकता है। मुझे सब शर्तें मंजूर हैं। मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर उतने में तू सड़क पार कर गया तो समझ ले तू बच गया। तैयार? एकदम तैयार। फिर भाग। ये बिल्कुल इंसाफी है, गिनती आहिस्ता आहिस्ता गिनिए प्लीज। अपन फिर बोलता है मैन कि अमर का डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? हां मियां, बोतल हमने खाली की, नजा तुमको हो गया। तुमको ख्वाब में आया कि अमर का मर्डर किया गया है? ख्वाब नहीं, फोन आया था। इसका? अमर का। मरने से पहले उसने अपन को फोन किया था। फोन? क्या बोला? कोई उसे मर्डर करने का धमकी दिया था। कौन था वो हरामखोर? वो हमारे अमर का खून क्यों करना चाहता था? वो सब अमर अपन को नहीं बताया, पर जो भी है बहुत चालाक। अरे किस तरह मर्डर को सिंपल एक्सीडेंट बना दिया। देखो अकबर, अब तुम्हें पता लगाना है कि वो है कौन, समझे? माँ माँ, कल रात बेचारा अमरनाथ सड़क पार कर रहा था, ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। झूठ, ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। हाँ ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर, बड़ी ही होशियारी और चालाकी के साथ किया गया मर्डर। करेक्ट, बड़ी ही होशियारी और चालाकी के साथ किया गया मर्डर। ये मर्डर किसी और ने नहीं, तुमने किया है।
मैंने? भाई वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने? कोई सबूत? विजय, अपनी चालाकी पर इतना इतराव मत। आज सबूत नहीं है तो ये मत समझना कि सबूत कभी नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें कातिल साबित करके सजा न दिलवाई तो मैं कपिल कुमार की बेटी नहीं। और मैं भी तुम्हारे हाथों से बचने गया और बाकी उन दोनों को खत्म न किया तो मैं भी कपिल कुमार का बेटा नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकती हूं। आहा, सचमुच? पहले सबूत की लालटेन जलाकर मुझे ढूंढ तो लो, क्योंकि तुम्हारा बेचारा अंधा कानून जब 20 बरस से पिताजी और बड़ी दीदी के कातिलों को नहीं ढूंढ पाया तो अमरनाथ जैसे कमीने के कातिल को क्या ढूंढेगा। मैंने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूरा करके ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। बेटी, बेटी, तू अपने भाई को घर से निकाल रही है? माँ, ये भाई नहीं कातिल है, और मैं कत्ल और कातिल दोनों से नफरत करती हूँ। मेरा घर किसी कातिल को पनाह नहीं दे सकता, चाहे वो अमरनाथ के ही कातिल क्यों ना हो। Get out of my house! माँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटी, नहीं, तुम मत जा। ये तो गुस्से में कुछ भी कह देती है। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी दीदी की बदनामी हो। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बेटे, बेटे। ये अंधा अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहां दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। बीपी गुप्ता और अमरनाथ तो मेरे हाथ आने से पहले मारे गए, इसलिए अकबर पर मैं खुद निगाह रखना चाहती हूँ। कोई ना कोई गलत काम तो वो जरूर करता होगा। एक बार किसी चक्कर में पकड़ा गया तो उसके हलक में उंगली डालकर पिताजी और दीदी के कत्ल का कन्फेशन उगलवा लूंगी। गुड आइडिया, गो अहेड। नमस्ते। माफ कीजिएगा आप? मेरा नाम शांति है, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। हमसे? तशरीफ लाइए, आइए आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं स्वर्गीय अमरनाथ की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मरहूम अमरनाथ की दोस्त हैं। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। मगर मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। अब अचानक अमरनाथ के उठ जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अमरनाथ ने मुझसे वादा किया था कि वो आपके गैरेज में नौकरी दिलवा देंगे। मैं बीए पास हूँ, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त की दोस्त हो, तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा हक बनता है भाई। और वैसे भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसे सेक्रेटरी की तलाश थी, बल्कि आज ही पेपर में इश्तिहार देने वाला था। अब खुदा का करिश्मा देखो, तुम आ गई। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। 2000 रुपये ठीक है ना जी? बहुत काफी है, थैंक यू वेरी मच।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई वाह भाई वाह, अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पहरन तमाम। वाह क्या बात है, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैंने सुना था मैं किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया गया हूँ। बिल्कुल ठीक सुना था। तो कहाँ है वो पार्टी, बाकी मेहमान सब कहाँ है? इस पार्टी में सिर्फ खास मेहमान को बुलाया गया है। ओ, लेकिन ये खास मेहमान तो मैं शायद वो खुशी ना दे सके जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठी हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं उम्मीद क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि मैं एक हत्यारा हूं। वैश्य जानवरों को मारने वाले को शिकारी कहा जाता है। कानून वैश्य जानवर को मारने वाले को फांसी नहीं देता, मगर जिस जानवर को मैंने मारा है और जिन दो जानवरों को मैं मारने वाला हूं उन्हें हमारा अंधा कानून आदमी कहता है। तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके वो तीनों वैश्य अब तक जिंदा रहे ना, फिर तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे मीना जी छोड़िए इन बातों को, आज आपका जन्मदिन है, कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाएंगे? I'm sorry, आइए ना। मौसम का तकाजा है हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें चाहे इनकार करें। मौसम का तकाजा है हम झूठ के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें चाहे इनकार करें। हमारे हाथों में इस दिल का इरादा है हम टूट के प्यार करें, दुनिया वाले चाहे इकरार करें चाहे इनकार करें।
और किसी को ना देंगे। इनकार करे मौसम का तो ताजा है, हम टूट के प्यार करे दुनिया वाले चाहे इकरार करे चाहे इनकार करे। कुमारी मीना जी, दिन में ही सपने देखने लगी? कभी कभी दिन के सपने भी सच हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर से आंखें बंद कर लीजिए, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। वो पीस तो अच्छा निकला है इस बार। हाँ बिल्कुल अच्छा निकला। गुड मॉर्निंग शांति। इनसे मिलिए, मिस्टर आशीष रॉय और मिस्टर हरीश शाह। इन्होंने हमारे गैराज से 30 कारें बुक की है। और ये है मिस शांति, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। मिस शांति, आप इन सहबान को मैनेजर के पास ले जाइए और एग्रीमेंट्स बनवा दीजिए। अच्छा जी, चलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए। तुम हमारे लिए बहुत लकी हो मिस शांति, वल्ला इतना बड़ा ऑर्डर तो पहले कभी नहीं आया। इसी खुशी में कल शाम को तुम्हारी दावत है हमारे घर, आओगी ना? जी हाँ, जरूर आऊंगी। हेलो वाला, इसकी तारीफ अकबर साहब की नई सेक्रेटरी है। सलाम हुजूर। आओ आशिक अली, क्या खबर लाए हो? खबर तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए, अभी अभी जो खूबसूरत लड़की आपके कमरे से गई है, क्या वो आपकी सेक्रेटरी है? पर्सनल सेक्रेटरी? अरे कहां फंस गए जनाब, आपको मुकालता हुआ है। वो सेक्रेटरी वेक्टरी नहीं है, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? जी हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर देवी सिंह। इंस्पेक्टर देवी सिंह? कपिल कुमार की बेटी अपने बाप के खूनियों को पकड़ना चाहती है, इसे आज ही उसके बाप के पास भेज दूंगा। सच बोलता हूँ मैम साहब। अब सच्ची बोलता कि हड्डी पतली एक कर दो। बोल। सच बोलता हूँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। हाँ। झूठ बोलता है। ये शर्म बोलता हूँ। मार बोलता हूँ। झूठ बोला है, मार खाएगा। बोल दे क्या? बोल। सच बोलता हूँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। हेलो। अकबर। कौन बोल रहे हैं मियाँ? अपनी मौत की आवाज भी नहीं पहचानता। ए, कौन है तुम? यमराज उर्फ विजय कुमार, कपिल कुमार का बेटा। 30 साल पहले जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, उसमें तेरा भी हाथ था ना? बहुत दिनों गायब रह लिया, बहुत ढूंढवाया तुम तीनों ने, पर कोई बेटा अपने बाप के
और कोई भाई अपनी बहन के हथियारों की तलाश से थक नहीं सकता। तुझे जितना जीना था जी लिया, तुझे भी तेरे दोस्त अमरनाथ के पास भेजूंगा। तो अमरनाथ का खून तुमने किया, कहां हो तुम? हेलो। अरे मियां, अकबर बोलता है। अकबर? अरे साला अकबर, अरे तुम हमेशा गलत टाइम पर घंटी बजाता है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी बात बतानी है। अमर का खून ना विजय कुमार ने किया है। कौन विजय कुमार? इंस्पेक्टर देवी सिंह का भाई और महरूम कपिल कुमार का बेटा। ये दोनों भाई बहन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मगर घबराना नहीं मियां, इंस्पेक्टर देवी सिंह का खात्मा करने के लिए मैंने जेकब को उसके पास भेज दिया है। और ये चूहा विजय कुमार अपनी मौत से मिलने खुद मेरे पास आ रहा है। मैं उसका खात्मा कर दूंगा, समझे ना? अरे अकबर, तुमने जिंदगी में आज पहली बार अकल की बात की है। देखो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना, सीधा इधर जाना। हम तुम्हारे लिए शैंपेन डंडा बन कर रखेगा। हम तुम्हारी ही पिस्तौल है। कौन है तुम? विजय कुमार, कपिल कुमार का बेटा। नहीं मियां, मुझे मत मारो। तुम चाहो तो मैं अपना बंगला तुम्हें दे दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हाँ? दे दोगे? मेरे पिताजी की जान और मेरी बहन की आबरू दे सकते हो तो दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इन चीजों को छोड़कर मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीजें दे सकता हूँ, मगर मुझे मत मारा। हा? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। छी 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 छी, उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, फिर भी मैं तुमसे लड़ा। लेकिन तुम इतने बड़े मर्द होकर मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो, थक बेशर्म कहेंगे। मियां, जितना जी चाहे गाली दे दो, मेरी जान बख्श दो। अच्छी बात, तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। शुक्रिया। चलो।
उस दिन मुझे और मेरी माँ को रस्सी से बांधकर तुम पी रहे थे ना, आज भी पियो। पियो कमान। जिस वक्त मेरी बहन की आबरू लूटी जा रही थी, तुम लोग जश्न मना रहे थे, हंस हंस के दारू पी रहे थे, तो आज भी पी। आज मैं तेरी मौत का जश्न मनाऊंगा। पी। बहुत हो गया है, बस। अभी तो शुरू हुआ है। जलास खत्म, बोतल खत्म, अपना कोटा भी खत्म। अब मैं सोया हूँ। नहीं, अब चल के नहा लो। रात को सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। उठो, उठो। हाँ, हमारे बाथरूम किधर है मियाँ? ऊपर है भाई। ऊपर? ओह, किसने भेजा था? बोल, अभी याद आया? हाँ, बताओ। बेटा, 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 अकबर सेठ ने भेजा था। अरे वो नहीं, वो बरसात शुरू हो गई, देखो। उतर जा टब में। नहीं, पहले तुम उतरो। ए चलो। दारू बोलता है पहले हम उतरेगा, मगर तुम नाना जो बाद में। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। क्या मजा आ गया, जीने का ही मजा है भाई। मैं से नहलाना मेरी मैयत को, दफन करना मुझे मैखाने में। शर्म, सर से नहा। अगर तेरा सर पानी से बाहर आया तो गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गोली मत चलाना, सर के बल घुसूंगा, बाहर नहीं दूंगा। अच्छा भाई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। सरकार, सरकार। क्या हुआ? सरकार। अबे ये पाँव नहीं दिखता है क्या? वो हवलदार साहब है, उनके दोनों पांव पकड़ने में बुरा नहीं मानता, मगर हम भी सिपाही हैं, एक तो पकड़। अरे भगने दे इसे, तू पैर दबाए जा, बड़ा मजा आ रहा है। अब बता, तुझे किसने आग दिखाई, मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। माई बाप, माई बाप। ए, पहले ये बता कि तू माई किसको कह रहा है और बाप किसको कह रहा है। ओ, ये कहने का तरीका है बरखुरदार, बोल बे। सरकार, राम खिलौना की माई है ना, देखा हमको मार के घर से बाहर निकाल दे। सरकार, तेरे को मार के घर से बाहर निकाल दी? अबे पहले ये बता कि तू राम खिलौना की माई के पास गया ही क्यों था? करेक्ट। हवलदार जी, जरा सोचने की बात है,
राम खिलौना की माई के पास राम खिलौना का बाप जाएगा या राम खिलौना की माई का पति जाएगा? ये क्यों गया? तू क्यों गया? दे जवाब, दे जवाब। बताता हूँ, राम खिलौना का बाप भी मैं ही हूँ और राम खिलौना की माई का पति भी मैं ही हूँ सरकार। क्या हो? दोनों तुम हो? क्या बकवास सवाल किया है तुमने? मेरे होते हुए तुम्हें ये सवाल करने का हक ही क्या है? मैं तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर हूँ, अटेंशन। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे आप कि आपकी बीवी आपको मार के घर से बाहर निकाल दी? हाँ साहब, देखा हमका बहुत मारिन साहब, आप बीवी को यहाँ बुलाए के खूब मारो साहब, खूब मारो। चला, मेरी चार बीवियां, चार, और वो रोज मुझे मारती है, वो भी शिफ्ट से, सुबह दोपहर शाम और रात, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। तेरी एक बीवी एक मर्तबा तुझे मारी और तू शिकायत करने आया? निकल यहां से, निकल। जाता हूं माई बाप, जाता हूं। तुम शादी नहीं करना, रिलैक्स। धन्यवाद हवलदार जी, धन्यवाद। हेलो, एंथनी बोलता है कमिश्नर साहब। ओ हेलो हेलो मिस्टर एंथनी, बहुत दिनों के बाद टेलीफोन किया। अपन पूछता है मिस्टर लाल, आपके शहर में किसी शरीफ नागरिक को जीने का अधिकार है कि नहीं? हा? क्या बात है मिस्टर एंथनी, साफ साफ कहिए ना। साफ साफ क्या बोलेगा साहब, पहले अपन का दोस्त अमर का खून किया गया, आपको मालूम, मालूम ना? नो नो, वो खून नहीं था, वो एक्सीडेंट था। जी नहीं, अपन पूरी खातरी से बोलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, मर्डर। और अभी अभी अपन के एक और दोस्त अकबर को मार डाला गया है। सॉरी मिस्टर एंथनी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। अकबर शराब के नशे में धुत था और ऐसी हालत में टब में नहा रहा था, डूब कर मर गया। ये बात पोस्टमार्टम में भी साबित हो चुकी है। नो नो कमिश्नर साहब, अपन के दोनों दोस्तों का खून किया गया है, मर्डर, समझे आप, मर्डर। और अपन ये भी जानता है कि ये दोनों खून किसने किया है। किसने? विजय कुमार ने, वो आपकी इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह है ना, उसका छोटा भाई है। विजय? जी हाँ, देवी सिंह पुलिस ऑफिसर है ना, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसलिए वो भी छुप छुप के अपने भाई की मदद कर रही है, समझे आप। ये बात आप साबित कर सकते हैं? वो आपका काम है, आप हमारा दोस्त है इसलिए आपको फोन किया, वरना अपन तो कभी का अदालत में पहुंच गया होता। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर एंथनी, मैं इस बात की पूरी छानबीन करूंगा। थैंक यू, बड़ा बना। तो मैं रिजाइन कर देती हूं। कल ही तुमको समझाया था कि ये पार्क है, बगीचा है, लोग इधर घूमने फिरने को आते हैं, सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके तुम लोगों को डिस्टर्ब करता है। तुमको दफा दफा गिरफ्तार कर लो उसको। अरे नहीं नहीं हवालदार साहब, आपने कल समझाया था, मैं समझ गया था, आज समझा रहे हैं, समझ लेता हूँ। कल फिर आना। शाबाश शाबाश, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, झोंको झोंको कानून की आंख में धूल, झोंको चूसो गरीबों का खून और चूसो। ए, ए, ये तुम्हारे बाप का घर है जो तुम यहाँ सोता है, चलो निकलो यहाँ से, गिरफ्तार कर लो इसको, गिरफ्तार कर लो। कैसे गिरफ्तार कर लोगे, रिश्वत लेते हो तुम, गिरफ्तार करते हो मुझे? क्या बात है विवेक सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आदमी लफंगा है साहब और ऑफिसर और ड्यूटी से जबान चला। भाड़ में जाए आप और आपकी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी को भाड़ में भेजता है? क्यों ना भेजूं? एक तो रिश्वत लेते ऊपर से वर्दी दिखाते हो, अगर कानून और कानून वालों से मुझे नफरत ना होती तो दिखलाता तुम लोगों को। अरे अजीब लफंगा आदमी है, झूठ बोलता साहब, झूठ बोलता। रिश्वत क्या चीज है हमको मालूम ही नहीं, आज तक नहीं ली। चुप रहो, फुट जाओ इनसे, नहीं तो दीदी से रिपोर्ट कर दूंगा। हेलो मिस्टर, सुनिए आपका पर्स गिर गया। शुक्रिया शुक्रिया, सब पैसे वैसे ठीक है ना? पैसे? तुम क्या समझ रहे हो कि मैं इसमें पैसे देता हूं? ये देखो, ये मेरी बीवी जखिया है और ये मेरी बेटी है नीलो। इस शहर में मकानों की कमी है ना,
इसलिए मजबूरन अपनी फैमिली को बटुए में रखना पड़ता है। बेटी नीलो, अंकल को सलाम करो। सलाम करो बेटी। नहीं मेरी बेटी, नीलो किसी को सलाम नहीं करेगी, नहीं करेगी किसी को सलाम। क्या कानून और कानून वालों से आपकी नफरत में इन तस्वीरों का भी हाथ है? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं, मेरे पिता की, मेरी बहन की। तब तो शायद तुम्हारे दिल का दर्द मेरे दिल के दर्द के साथ मिल जाए। आपके दिल का दर्द क्या है? मेरा नाम जाने सारा अख्तर है। एक जमाने में मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे एक बहुत खूबसूरत और एक नेक बीवी मिली, एक फूल सी बच्ची मिली और एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। उन दिनों मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, बहुत ईमानदार, बहुत दिलेर। सलाम साहब। सलाम। परमिट दिखाइए। परमिट? आप जानते नहीं है किसकी लारी है? अरे ओ शंकर साहब को बता दीजिए किसकी लारी है। गरीब परवर बंदा नवाज श्री 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 राम गुप्ता जी की। काफी लंबा नाम है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के सारे लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मैं ही श्री राम गुप्ता हूँ। कहिए। इस जंगल से लकड़ी ले जाने का परमिट है आपके पास? परमिट? आप भी क्या मजाक कर रहे हैं श्रीमान। यहां मेरी लारियां परमिट से नहीं, मेरे हुक्म से चलती हैं। आप शायद यहां नए नए आए हैं इसीलिए फजूल के सवाल कर रहे हैं। हुजूरे वाला, 50-50 मील तक इस जंगल में चिड़िया पर भी नहीं मारती हमारे हुक्म के बगैर। आज के बाद चिड़िया तो क्या, आप भी मेरे हुक्म के बगैर इस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। ड्राइवर, इस ट्रक को फॉरेस्ट ऑफिस लेकर आओ। मेरी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है हुजूर, सोच लीजिए। सोच लिया। आप घर जाके जिसे चाहे फोन कर सकते हैं। ये जंगल इसलिए नहीं होगा कि आप यहां से लकड़ी चुरा कर ले जाएं, समझे? चलो। इस छुछुंदर को फॉरेस्ट अफसर ना बुलवा दे तो मेरा नाम भी श्री राम गुप्ता नहीं। नमस्ते साहब। मेरा ट्रक पकड़ लिया, मेरा। अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं मैंने, ये चूहा मुझसे क्या टक्कर लेगा। ये मामा जी भी कल आने वाले थे, अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं दिल्ली में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। भांजा जब भी याद करता है तो मामा हमेशा प्रकट होते हैं डायरेक्ट। आ गए आप? क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हो। अरे भाई कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल खाक है, आपको ही दिल्ली में फोन लगा रहा था। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, वो एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आया साला, उसने मेरा ट्रक पकड़ लिया, बड़ी अकड़ दिखा रहा था। अजी ऑफिसर को मारो गोली, पहले अपनी जान बचाने की चिंता करो। क्या? वो पिछले साल जो गुलाब सिंह ठेकेदार का खून करवा दिया था ना तुमने, तुम्हारे पुराने ड्राइवर ने पुलिस के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब एक दो दिन में सीबीआई पुलिस तुम्हारे घर पर आने वाली है। उस नमक हराम ड्राइवर की जुबान हमेशा के लिए बंद क्यों कर दी आपने? कोशिश तो बहुत की लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा दुबका रखा है जैसे मुर्गी अपने नीचे अंडे छिपा रखती है। और दिल्ली में जो तुम्हारी इतनी जान पहचान है उसका क्या हुआ? सबने हाथ मुझे कर दिए क्योंकि बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। मुझे तो लगता है कि तुम अब चारों तरफ से घिर गए हो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़े ही पड़े। बाबा जी आज तक वो रस्सी ही नहीं पटी गई जो मुझे फांसी लगा सके। राधेराम जी आप गाजीपुर की तरफ देख लीजिए। अच्छा सर। आप चले जाइए। अच्छा सर। और आप दोनों फूलपुर की तरफ चले। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग खान साहब, सारा जंगल ढूंढ मारा आपके लिए और आप यहाँ हैं। कहिए गुप्ता जी, कहीं फोन वोन घुमाया कि नहीं आपने?
आप भी क्या मजाक कर रहे हैं खान साहब, मेरे घर में तो फोन है ही नहीं, वो तो गीदड़ भपकी दे रहा था। मधुरे वाला, आपके पहले जो यहाँ सदीकी साहब थे ना, उन्हें 1000 रुपया महीना देता था, आप शरीफ आदमी हैं, 1500 दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे खान साहब, बिगड़ क्यों रहे हैं, 1500 कम हो तो डबल कर देते हैं। ये बात दोबारा मुंह से निकाली तो जबान खींच के हाथ में दे दूंगा, समझा? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब कमाल कर रहे हैं आप, कोई घूस नहीं देगा तो आप हाथापाई पे उतर आएंगे। अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहां से। क्या आप धमकी दे रहे हैं साहब? अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहां से नहीं गए तो मैं सचमुच आपकी जान ले लूंगा। ना कमान गेट आउट। देखिए साहब, जान लेने की धमकी दे रहे हैं मुझे, जान दे दूंगा लेकिन घूस नहीं दूंगा। हाँ घूस नहीं दूंगा मैं, जान लेनी है तो ले लीजिए, घूस नहीं दूंगा। तो ससुराल में पहुंच गया। मामा जी, इस पत्थर से इसका थोबड़ा बिगाड़ दीजिए ताकि इसकी शक्ल कोई पहचान ना सके। मैं अभी आया। ये मेरा कोटे से पहना दो, और ये जूते, पैंट, मफलर, कमीज। अब तो इसके मां बाप भी इसे नहीं पहचान सकेंगे। एक तीर से 2 निशाने लगा दिए मामा जी, मेरे ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे खत्म, क्योंकि मैं तो मर चुका हूं, और खान साहब मेरे कत्ल के इल्जाम में पकड़े जाएंगे। लेकिन अब तुम कुछ सालों के लिए यहां से गायब हो जाओ, मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट करता हूं। चलिए जल्दी कीजिए ना, अम्मा अब्बू के आने का टाइम हो रहा है। चुप, जैसे दुनिया में तेरे सिवा किसी के पास अब्बू है ही नहीं। मेरे जैसे अब्बू किसके पास हैं? हाँ हाँ, तेरे अब्बू में तो सुर्खाब के पर लगे हैं, अच्छे खासे भांस के झाल लगते हैं। आप खुद भिंडी लगती है भिंडी। क्या कहा? ए ठहर, ए ठहर, अरे ठहर भाई ठहर। मुझे भिंडी कह रही थी। आप अब्बू को बांस नहीं कह रही थी? बांस कह रही थी। और आप इन्हें भिंडी कह रही थी? भिंडी यार। मिस नीलोफर खां उर्फ नीलो कुछ बहुत गलत तो नहीं कह रही थी? और मिस नीलोफर खां, आपकी अम्मी भी तो ठीक ही कह रही भाई, बांस के अलावा मैं और क्या लग सकता हूँ। इसलिए आप दोनों अपने अपने ठेंगे नीचे कीजिए और जल्दी से आकर के अपने अब्बू को एक एक पप्पी दीजिए। चलिए। शर्म नहीं आती बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हैं? अरे भाई इसमें शर्म की क्या बात है, नीलों के सामने मुझे रुमाल नहीं देती हो? बोलो। हाँ हाँ। नीलों के सामने खाना नहीं देती हो, खाने के बाद पान नहीं देती हो, तो फिर पप्पी देने में क्यों शर्म आ रही है? हाँ? और क्या, चलिए मैं आपको पप्पी देती हूँ। हाँ दे दो भाई, ये तो यूं ही इतराती रहती है। हाँ अब निकालिए पप्पी का दाम। हाँ करेक्ट, ये रहे आपके कैडबरीज के चॉकलेट। अरे अरे इसे रोज सुबह शाम चॉकलेट मत दिया करो, इसके दांत झड़ जाएंगे। अरे भाई झड़ जाएंगे तो झड़ जाने दो, हम आपके लिए नए दांत ले आए। क्यों ये जलती है कि इन्हें जो रोज चॉकलेट नहीं मिलता? हाँ क्या कह रही है? अरे कहाँ भागेगी? ठहर तो सही। नीलो भगा। अरे नीलो ठहर। अरे नीलो क्या हुआ? नीलो अरे चुपचाप बस 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 बस। देख बिटिया, अल्लाह मियां ने ये आंसू इसलिए थोड़ी ना दिए कि तू जरा सी चोट पर इन्हें बहा दे, इन्हें बचा के रख। सारे आंसू अभी बहा देगी तो अब्बू को छोड़कर जब ससुराल जाएगी उस वक्त क्या करेगी? हैं? चल हंसते हंसते हंसते। अरे लो मैं तो भूल ही गया, ये देख मैं क्या लाऊं तेरे लिए, ये कुत्ता इसके अंदर।
इसमें चाबी भरो, ये अपनी दो मिला। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, भरे उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का कोना कोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, पर उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। खुशियां है छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में। नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी बातों में। ऐसा सुंदर है ये जीवन, जैसे कोई सपन सलोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, पर उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट? किस लिए? आपने श्री राम गुप्ता का खून किया है। बयानात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुलजिम जानिसार अख्तर खान ने स्वर्गीय श्रीराम गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए वाकयाती शहादतों की रोशनी में अदालत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए 20 साल कैद सख्त की सजा देती है।
जज का फैसला सुनने के बाद मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि कानून अंधा होता है। जो कत्ल मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। 20 साल मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे फिक्र थी तो ज़किया की, नीलो की। उनके पास कोई देखरेख का जरिया था ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार था ना कोई सरमाया। मेरी ईमानदारी की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। उस दिन ज़किया और नीलो मुझसे जेल में मिलने आए। रोकर मेरी बेगुनाही की बेइज्जती मत करो ज़किया। सो नहीं तो और क्या करूं? जी नीलो को जीना सिखाओ, इसे ये यकीन दिलाओ कि कानून अंधा होता है। मुझे पता है, जबी तो मैं रोती नहीं। देखा ज़किया मेरी नीलो कितनी बहादुर है। ए बिटिया अपनी अम्मा को परेशान तो नहीं करती? यही मुझे परेशान किया करती थी, और आपके यहाँ आने के बाद से इन्होंने मुझे परेशान करना बिल्कुल छोड़ दिया। रोज चॉकलेट देती है और ये भी नहीं कहती कि दांत झड़ जाएंगे। अल्लाह मियां ने आंसू इसलिए थोड़े दिए हैं। उस दिन आपने कहा था ना कि आंसू बचा के रखो। जब से मैं आंसू बचा रही हूँ, आप भी बचा के रखिए। आखिर आपको छोड़ के ससुराल जाते वक्त जब मैं रोऊंगी तब आपको भी रोना आएगा ना? ठीक है अब्बू। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलाना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस यही छोटी सी अपनी सारी दुनिया है। खुशियों से आबाद है अपने घर का काना काना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जेल की उस मुलाकात ने मेरे दिल के अंदर एक घुटन सी पैदा कर दी, लेकिन आंसू बहाने के सिवाय मैं और करता भी क्या। एक दिन ज़किया का खत आया। गुजारिश अहवाल यह है कि मैं तुमको मुंह दिखलाने के लायक नहीं रह गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं बेसहारा हो गई थी ना,
तो जो निगाह पड़ती मैली पड़ती, जो आवाज आती गंदी आती, और कल रात तो मैं लुट गई नीलू के अप्पा। आप के सिवा तो मेरे पास कुछ था नहीं। वो चार आदमी थे, मैं बहुत लड़ी, बहुत चीखी। मैं कल रात से ही सोच रही थी कि मैली कुचेली ताकदार जिंदगी तो जीने के लायक नहीं, पर नीलू का क्या होगा? बाप जेल में है, माँ खुद खुशी करने जा रही है, वो अकेली रह जाएगी ना, अकेली पढ़ेगी कैसे? पढ़ भी गई तो क्या बनेगी? जेब कतरी, चोरनी, तवाफ? मैं अल्लाह तो हूं नहीं कि जिंदगी देकर भूल जाऊं, मैं तो माँ हूं ना, उसके लिए हमने ये सपने तो नहीं देखे थे ना, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि उसका मर जाना ही ठीक है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूं। अल्लाह मुझे माफ करे, तुम्हारी कनीज सखिया। जकिया ने बिल्कुल ठीक किया, ठीक किया मेरी जकिया ने। अंधे कानून की जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें एक शरीफ मां और कर भी क्या सकती थी। और इसी तरह मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं जेल से निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलता? किसके लिए निकलता? लेकिन 10 साल के बाद गांधी शत जयंती के दिन मुझे रिहा कर दिया गया। इतनी बड़ी दुनिया में बिना किसी दोस्त, बिना किसी सपने के मैं अकेला रह गया। एक आवारा हवा के झोंके की तरह, कभी यहां कभी वहां। फिर एक दिन मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इसलिए
मैं आशा करता हूं कि समाज कल्याण कार्यों में मुझे आपका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं कोई सरकारी या गैर सरकारी नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं आप भाइयों बहनों और माताओं का। मुझे बापू के पवित्र नाम को बेचने का कोई शौक नहीं है, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि अगर कोई इस देश में आज बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहा है तो वो मैं हूं। और क्या हुआ? दिल का दौरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मीटिंग जारी रखो, मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। भाइयों और बहनों, नेताजी अचानक अस्वस्थ हो गए। आप पहचाना मुझे योर ऑनर? मैं वही जानिसार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। पहचाना? याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर, खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। हां, आज मैंने इस शैतान का कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया है क्योंकि इसे जीने का कोई अधिकार नहीं था। हां, आज मैंने दुनिया के इस बदतरीन इंसान का कत्ल किया है क्योंकि आपके कानून के पास वो आंख ही नहीं है जो इसका जुर्म देख सके। हां, मैंने इसका कत्ल किया है, और इसलिए कत्ल किया कि यह मेरी बीवी ज़किया और मेरी बेटी नीलो की मौत का जिम्मेदार था। हाँ, मैंने इसका कत्ल किया, और इसलिए कत्ल किया ताकि मैं अपने बेगुनाह चेहरे पर इसका गुनहगार खून मलकर अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने सुरखरू हो सकूं। मेरी बेटी, पता है वो कैसे मरी? उसकी मां ने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, क्योंकि ज़किया ये नहीं चाहती थी कि लावारिसी के अंधेरे में पलकर उसकी बेटी एक तवायफ, एक वेश्या बनकर रह जाए। ये देखिए,
ये मेरी बीवी और मेरी बेटी, इन्हें देख करके आपको ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नाम पर ऐसी बात लिखी थी क्या? क्या मेरी बीवी के नसीब में अल्लाह ने यह लिखा था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को कत्ल करके खुदकुशी कर लेगी? ये गुप्ता उन दोनों का कातिल है योर ऑनर, और उनके खून से आप और आपके कानून का हाथ भी भरा हुआ है। लेकिन आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते योर ऑनर, क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? किसी इंसान को एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दे सकता। और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में काटे, मेरी जकिया की आबरू लौटाइए योर ऑनर, मेरी नीलों को कब्र से निकालकर मेरी गोद में लाइए योर ऑनर, नहीं तो कानून और इंसाफ के इस नाटक को बंद कीजिए, बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल, जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी, तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। बोलिए, कर सकते हैं आप ऐसा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जज साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलिए जवाब दीजिए। ना वो बोले ना जवाब दिया, बस सजा कर दी, जेल भेज दिया और फिर रिहा कर दिया। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। क्या हुआ भाई? आज हर बहन अपने भाई की लंबी जिंदगी के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधकर प्रार्थना करती है। माँ, दिल छोटा मत कर बेटी, ऐसे थोड़ी ही है कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस तरह बहन को आज का दिन याद रहता है, वैसे भाई भी आज का दिन नहीं भूलता। मगर हाँ, वो आए तो उसे अपने थानेदारी मत दिखाना। यही तो मुश्किल है माँ, मैं थानेदार भी हूँ और बहन भी। सिर्फ थानेदार होती या बहन तो जिंदगी कितनी आसान रही होती। लेकिन थानेदार होने का यह मतलब नहीं है कि दुनिया की किसी बहन से मैं उसे कम प्यार करती हूं। लेकिन कर्तव्य भी तो होता है ना मां, मां बाप भाई बहन हर रिश्ते से बड़ा। दीदी आगे है बेटे। देखा मां, अरे साल में यही एक दिन तो भाई उनके ठाट करने का होता है। आज तो डांटने वाली बहनें भी पूजा करेंगी, मस्का लगाएंगी कि देखो भैया मेरी रक्षा करना। थानेदार जी, राखी बनवाने के लिए हाथ बढ़ा सकता हूँ कि दफा 144 लगी हुई है। ज्यादा बनो मत, भगवान ने भाई क्या बना दिया, दिमाग ही नहीं मिलता। चलो बैठो। देखा मां, राखी बांधने के लिए भी डांट के बुलाया जा रहा है। अभी मेरा राखी बनवाने का मूड नहीं है। मेरी बहना ओ
मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया, उस रब पे सब छोड़ दे बाकी, दुनिया आनी जानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरी बहना, याद आई रात तेरी, एक बहन थी और भी मेरी, उसका बाकी कर्ज है मुझ पर, उसका बदला फर्ज है मुझ पर, जिसकी ये कहानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, अगर मौका मिले तो क्या इन हाथों में हथकड़ी भी पहना दोगी? मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन? यानी इस्तीफा? त्याग पत्र? यार दीदी ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया तुमने, अब मैं लड़ूंगा किससे? अरे तुम लोग खाना भी खाओगे या बातों से पेट भर लोगे? माँ खाना लगा दो। भाई वाह, जो मुंह इतना लटकाना था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों? लो दीदी, मुझे झल्ला की नौकरी छोड़ी है ना? हट पागल, मैंने तो पिताजी और दीदी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए नौकरी की थी। सजा दिलाई ठेंगा दिलाई, फिर ये नौकरी का ढकोसला क्यों करूं? बस नौकरी छोड़ दी। अब लगता है तुम्हारी रास्ता ठीक है, उस रास्ते पर चलकर हम हथियारों को सजा तो नहीं दिला सकते लेकिन बदला तो ले सकते हैं। मतलब बदले की बात तुमने भी ठान ली? यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है? एक वो अंथोनी है, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। बाय गॉड, तुमने तो कमाल ही कर दी,
सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है दीदी, जरा सी कॉमन सेंस की बात है। पहले अमर को ले लो। हाँ, बोलो। दीदी तुम्हें याद होगा कि आईने के बिना वो बिल्कुल अंधा लगा था उस रात। तो पहले मैंने उसे फोन पर हटकाया, वो अपनी कार में भाग खड़ा हुआ, मैं उसी कार में पीछे छुपा हुआ था। मुझे देखकर वो समझ गया कि यमराज भी मेरे साथ ही आए होंगे, उसके हाथ पांव फूल गए। दीदी कमीने लोग बेसिकली कायर होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने एक थप्पड़ लगाया और कहा अगर जान प्यारी हो तो कार से उतर कर भाग, सड़क पार कर गया तो नहीं मारूंगा, तब जाके उसकी जान में जान आई। जब उसे यकीन हो गया कि वो बच गया मैंने उसकी आईना उतार ली, फिनिश। बाकी कम हेवी ट्रैफिक वाली सड़क ने कर दिया, हर लगी ना फिट करी और रंग भी चोखा आया। मैंने उसे मारा भी नहीं और मार भी डाला। अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। और वो तो पियकर था ही, पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे इतनी पिलाई कि पूछो मत। और मैंने उसे कहा बाथरूम में नहा, वो टब में उतर गया और मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया, बस वो भी फिनिश। माय गॉड तुम तो जीनियस हो जीनियस, पुलिस तो हवा भी नहीं पा सकती तुम्हारी। अच्छा वो जो तीसरा है ना एंथ, हाँ उसे कैसे मारोगे बताओ? वो करके बताओ। गुड नाइट। हेलो देवी स्पीकिंग। यस सर, प्लान के हिसाब से मैंने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है, वो यहीं सो रहा है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। ओके सर। तो ये सारा प्यार भाई को गिरफ्तार करवाने के लिए उबला पड़ रहा था? छी, तुम्हारी जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी न दे। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, नहीं तो मैं इसे बहुत पहले गिरफ्तार कर चुकी होती। डैडी के हथियारों को मैं भी तलाश कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई दूसरों की हत्या करता फिरे। मैं सजा और हत्या में फर्क समझती हूँ। अरे रहने दे, न्याय और अन्याय पर भाषण मुझे मत देना। न्याय का अन्याय मैं देख चुकी हूँ, तू भी देख चुकी है, मैं देखती हूँ तू उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। माँ तुमने अगर मुजरिम का साथ दिया तो क्या मुझे भी गिरफ्तार करोगी? बात वहाँ तक मत बढ़ाओ माँ। आइए। हेलो कहाँ है? मिस्टर विजय कुमार गेट अप। क्या हुआ दीदी? मैं तुम्हें अमरनाथ और अकबर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर देवी सिंह कि आपके सिवा और कौन ये कहता है कि उन दोनों कमीनों को मैंने मारा है? मेरे सिवा ये बात तुम कहते हो। मैं? हाँ चलो मेरे साथ। चलो। यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचाए कौन है एक वो अंथोनी, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। माय गॉड विजय तुमने तो कमाल ही कर दिया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर
लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ चक्कर क्या चलाते हो। चक्कर क्या है? दीदी जो टेप में है नहीं वो आएगा कैसे? सॉरी सर चकरा रहा, मालिश करो। मालिश तेल मालिश। दिस इज नॉट गुड ऑन योर पार्ट इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। तब आप दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं मैं सच कहती हूँ, मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। यही कन्फेशन रिकॉर्ड किया था? आई एम सॉरी। चलो अब मैं जा सकता हूँ इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। तुम्हारा जब मेरी गिरफ्तारी पर यह हाल हो गया तो जब दीदी मुझे फांसी दिलवाई तो क्या हाल होगा तुम्हारा? दीदी तुमने आखिर अपनी थानेदारी दिखाई दी ना, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं दीदी, तुम्हारा एक एक पुर्जा जानता हूं। तुम कब क्या और कैसे करोगी मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा नौकरी से इस्तीफा देना एक नाटक था ये भी मुझे मालूम था। जब तुम मेरी तारीफें करने लगी कि मैंने उन दोनों को किस सफाई से मारा तो मेरा माथा ठंका। मैं समझ गया कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों के पीछे कोई चक्कर है। आई एम सॉरी दीदी, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया, जैसे को तैसा मिल गया। विजय मेरी एक बात समझ में नहीं आई, हमारी शुरू की बातें तो रिकॉर्ड हुई लेकिन तुम्हारे जुर्म का इकरार क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? अच्छा वो हाथ की सफाई, अभी बताता। इसका नाम है माइक। अब तुम पूछोगे ये मेरे पास कैसे आया? जब तुमने मेरी तारीफों के फूल भरने शुरू किए तो मैंने चाकू को नीचे गिरा दिया और टेबल के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। नजर आया टेप रिकॉर्डर, हाथ में आया माइक, फिनिश। ऐसा है मेरा क्रिमिनल ब्रेन। वाह सचमुच तुम्हारा ब्रेन तो क्रिमिनल का ही है। दीदी बड़ों का कहना है कि कर्ज और दुश्मन दोनों का होना अच्छा नहीं। अरे तुम तो क्या, ब्रह्म विष्णु महेश भी मुझे आंथोनी को मारने से नहीं रोक सकते। पिताजी की कसम खा के कहता हूं उसे मारकर ही दम लूंगा। गुड नाइट। एक चिकन तंदूरी लाओ, चिकन टीका, चाय। और तुम? भाई मेरे लिए कुछ ठंडा ले। यस सर। देखो भाई बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हो, संभल के जिए। जीना क्या है यार, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे सारे गम में। अशिक अब वो बाकी जो है उसका नाम पता भी बता दो, उसको ठिकाने लगा देता हूं। क्या तुम मुझे उन गुंडों को मारने दोगे जिन्होंने ज़किया भाभी की आबरू ली? कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें खुद ना लड़े तो आदमी अपनी निगाह से गिर जाता। वो एंथोनी मेरा शिकार है। कमिश्नर साहब वो साला विजय अपन को फोन पे धमकी दिया कि वो अपन को मार डालेगा। धमकी देना तो आजकल एक फैशन हो गया है मिस्टर एंथोनी। हवाई जहाज उड़ने वाला होता है तो फोन आता है कि उसमें बम रखा हुआ है, ट्रेन चलने वाली होती है तो खबर मिलती है कि वो फलां स्टेशन पर जल जाएगी। अब आप ही बताइए हम हर बात पर कैसे यकीन करें? आपका मतलब है अपन झूठ बोलता है? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा। खैर आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। देखिए साहब अपन डर के मारे ये शिकायत नहीं कर रहा है, अपन तो ये जानना मांगता है कि ऐसे खूनी भेड़िए को सोसाइटी में खुला घूमने क्यों दिया जाता है? खूनी भेड़िए गाय की खाल पहन ले तो हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? जब तक उनका असली रूप दिखाई न दे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये है मिस्टर एंथनी कि बगैर सबूत और गवाही के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ बदमाश कानून के हाथों से बच जाते हैं और कुछ बेगुनाहों को सजा हो जाती है। तो इसका तो मतलब यह हुआ साहब कि अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप इसके छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं करेगा। कानून को अगर सबूत की जरूरत न हो तो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा मतलब है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आप तो इस शहर के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं,
बेकार की बहस में क्यों पड़ते हैं मिस्टर एंथनी? आपने कंप्लेन कर दी है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। अच्छा साहब, तो अपन चलता है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आदमी को गिरफ्तार करना चाहती हूँ, मुझे उस पर शक है। कौन है वो? विजय। विजय, तुम्हारा छोटा भाई? जी हाँ, मुझे यकीन है इस गिरफ्तारी से मैं दो कसूरवारों को जिंदा पकड़ सकती हूँ। ओके, प्रोसीड। आप कौन है बेटी? विजय की दीदी आई हैं। नो, आई एम इंस्पेक्टर देवी सिंह। मेरे पास विजय को अरेस्ट करने का वारंट है और मुझे खबर मिली है कि वो यही है। अरे भाई, तुम्हारी बिल्डिंग में इंस्पेक्टर देवी सिंह की जीप क्यों खड़ी है? कहां से बोल रहे हो? दीदी, अपने आप को क्यों छका रही हो? एंथोनी के मरने से पहले मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। टाटा। चलो। अब क्या होगा? इस सवाल का जवाब अकबर इलाहाबादी पहले ही दे चुके हैं। पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिया होगा। मैं हिंदू हूँ, इसलिए फातिया की जगह चौथा होगा। कैसी बातें करते हो, आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, लेकिन पहले वो एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, फिर एक सत्यवादी नागरिका है, और तब कहीं जाके मेरी सगी बहन है। उन्होंने तो मेरी गर्दन के नाप के फांसी के फंदे का आर्डर भी दे दिया होगा। वैसे मुझे चाहते भी बहुत है, मेरी लाश पर रोएंगे भी बहुत। I'm sorry. Sorry? क्यों? मुझे तुम्हारे मुंह पे हाथ रखने का क्या अधिकार है? अधिकार है, पर जिसके लिए आदमी के दिल में मान हो, प्यार हो, उसे अपने हाथों से जहर तो नहीं पिला सकता ना। वो तो यही कोशिश करेगा ना कि जहर को उसे जितना दूर हटा सके हटा दे। मुझे पहले बूझने का शौक नहीं है। कानून जिसके पीछे फांसी का फंदा लिए दौड़ रहा हो, वो गर्दन वरमाला के लायक नहीं होती मीना। मैं अपने आप को यह बात बड़ी मुश्किल से समझा पाया हूं। कह चुके, अब मेरी सुनो। प्यार भरे जिंदगी का एक पल बिना प्यार के सदियों से कई बड़ा होता है। मुझे वो पल चाहिए, दोगे? पागलों जैसी बातें ना करो। मैं तुम्हें पल भर के सुहाग के लिए जिंदगी भर की बेवकी नहीं दे सकता। तुम्हारी बेवा कहलाई जाऊंगी ना। मुझे इन दामों में उस चुटकी भर के सिंदूर का सौदा मंजूर है जो तुम मुझे दोगे। मैं सच कहती हूं विजय, मैं बहुत फायदे में रहूंगी। ये पल भर के सुहाग का सौदा बहुत जचता है, मुझे अपना लो। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता? तुम्हें कैसे बताओ कि मैंने अपने दिल को कैसे कैसे मारा है? तुम अपने दिल के साथ जो सुलूक चाहे करो, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना याद रहे, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हारा दिल को दुख पहुंचाया है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। खुश? ऐसा करो, अभी तुम अपने डिस्को जाओ ताकि किसी को शक ना हो। मैं तुमसे वही मिलूंगा, वहां से हम शिव मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे। हाँ, तुम अपनी माँ से कहती जाना वहीं आ जाएं। मैं जानिसार खान को भेजकर अपनी माँ को बुलवा लूंगा। ओके? देखो,
आज रात को डिस्को 3 Aces में मीना के डांस का प्रोग्राम है। उधर विजय जरूर आएगा और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी आएगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, हमें विजय को खलास कर देने का है, समझे? ओके बॉस। मैं विजय को अच्छी तरह जानती हूँ। इससे पहले कि वो तीसरा मर्डर करे, उसे गिरफ्तार कर लेना बहुत जरूरी है। वो डिस्को 3 Aces में आएगा। Zumba, Zumba! सारे एक तरफ हम तुम
दुश्मनों से आखिरी आज मुलाकात है। लपे आके झुक गई ऐसी कोई बात है। हाँ, लपे आके झुक गई ऐसी कोई बात है। अब नजर उठाए देखिए नजारे नजारे नजारे। एक तरफ हम तुम तरफ सारे। तरफ हम तुम एक तरफ सारे। सलाम साहब। हाँ पंडित जी आइए शुरू कीजिए जल्दी। बेटे वो अभी तक नहीं आए। फिक्र मत कीजिए आ जाएंगे लोग। वो आ गए। अरे चलो भाई जल्दी करो। चलो चलो पंडित जी शुरू कीजिए जरा जल्दी वाला मामला है। रुक जाओ मिस्टर विजय यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी शादी तो हो जाने देती। थोड़ा सा टाइम दे दो दीदी मेरा काम पूरा हो जाने दो फिर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। चलो बंद कर दो दरवाजा। ये हवलदार अच्छी तरह से ताला लगा दो। ठीक से निगाह रखना इस पर। चलो होशियारी से जाना। आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाता है। मेरे ट्रक को मार दिया। मेरा बम अबे आगे नहीं क्या दंदा नाता चला रहा है मेरी मोटरसाइकिल का। तो सचमुच एक्सीडेंट हो गया। किसका इंतकाल हो गया? इंतकाल किसी का नहीं हुआ हवलदार जी चोट आई। किसको चोट आई? इनकी मोटरसाइकिल को और उनके ट्रक को। खुशहरी से अरे हवलदार हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हम राजी हो गए। राजी हो गए ना भाई? हाँ हम राजी हो गए। राजी हो गए पुलिस जी हम लोग। अरे मगर एक्सीडेंट तो हो ही गया है ना। अरे भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। अरे लेकिन तो फिर हम भी आपके खिलाफ दफा 102 403 711 के मौत हाथ कार्यवाही शुरू करते हैं। और आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे आपको। सेक्शन बोल रहा है भाई। क्या छोड़ दें? इसी में है। देखो तुम गाड़ी संभाल के चलाया करो। एक्सीडेंट मत करो। मत करना है। खुदा हाफिज़। नमस्कार। नमस्कार।
लड़की अंदर चली गई है, तुम अपना ट्रक संभालो, मैं अपनी मोटरसाइकिल संभालता हूँ। खाली पीली नींद हराम कर दी कम वक्तों ने, चले आते हैं बेकार के बेकार लोग। अच्छा सो रहे थे, देखना अपने कैदी का क्या हाल है। हाँ सब ठीक है, सो रहा है। वेरी गुड। तुम लोग सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर ठहरो, एकदम चौकस रहना। आओ। अच्छा साहब चलो। इंस्पेक्टर साहब, आज आपका ऑनर का कोरा कागज पर अपन साइन करना मांगता है। गुड आइडिया। तुम बच नहीं सकते अंतोनी। अभी तुम अपना बचने के बारे में सोचो बेबी। देखा, विस्की का फ्यू ड्रॉप्स के आगे तुम बिल्कुल बेबस है, लेकिन विस्की के पास तुम्हारा ये वर्जिन जवानी देखने वाला आंख नहीं है, आपन के पास है। विस्की के पास तुम्हारा ये मार्बल के माफिक चिकना बदन छूने के लिए हाथ नहीं है, आपन के पास। बहुत गर्मी लगता है। अरे तुमको तो इस वर्दी में और भी गर्मी लगता होगा, ये कपड़ा ठीक नहीं है, अपन इसको अभी निकाल देता है। बड़ी दीदी की आबरू के नाम की। यह है पिताजी के नाम की। यह है मेरी मां को विधवा बनाने की। यह है मुझे यतीम बनाने की। तूने क्या किया विजय, ये तूने क्या किया? दीदी आज मेरी कसम पूरी हो गई, इतने वर्षों के बाद आज पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। ये पिस्तौल तुम्हारी है ना?
इस कुत्ते को मारने में तुम्हारे कानून ने भी मेरी मदद की। थैंक यू। बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। कैसे मर गया? देखता हूँ। लाश को हाथ नहीं लगाना, ये सब चीज ऐसे रहने दो। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जल्दी जल्दी। अरे ये तो जिंदा है। हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये तो जिंदा है। अरे भाई आहिस्ता 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 भाई। अरे गाड़ी गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, जल्दी से अस्पताल ले चलो, अस्पताल अस्पताल, जल्दी 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 जल्दी। विजय जो खून किया है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। सरकारी वकील की तमाम दलीलें और गवाहों के सारे बयान ये साबित नहीं कर सके कि मुल्जिम विजय मौके वारदात पर मौजूद था। जब एंथनी डिक्रूज का खून हुआ उस वक्त मुल्जिम पुलिस की हिरासत में था, फिर वो खून कैसे कर सकता था? इसलिए अदालत मुल्जिम को बाइज्जत रिहा करती है। सॉरी दीदी। विजय, कुछ लोग कानून को कभी कभी धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कानून की आंखों में हमेशा धूल झोंकी जा सकती है। याद रखना, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहां दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे,